नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस आहूजा। तो इस सेकंड वेव ऑफ कोविड में हमारे पास एक नई बीमारी पाई गई है, ब्लैक फंगस। कोविड इन्फेक्टेड पीपल्स में ब्लैक फंगस के सिम्टम देखे गए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जैसे स्टेट्स में इसके कई पेशेंट हैं। डॉक्टर्स पेशेंट भी कंफ्यूज हैं कि ये आखिर बीमारी है क्या, इसके सिम्टम क्या हैं, हमें क्या क्या इसकी प्रिकॉशंस लेनी है। अंग्रेजी भाषा में इसको बोला जाता है मुकोर माइकोसिस। अभी तक ऐसी कुछ रिसर्च नहीं हुई, कुछ हमारे पास एविडेंस नहीं है, कुछ डेटा नहीं है आखिरकार बीमारी हो क्यों रही है, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस इसमें लेने हैं। तो आइए और जानते हैं कि इस बीमारी में कौन कौन से सिम्टम देखे गए हैं। म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस की बीमारी ने कोरोना से पहले ही कराहते भारत के मेडिकल सिस्टम के लिए नई चुनौती पैदा कर दी है। ये फंगस मिट्टी, पौधों, खाद और सड़े फल सब्जियों में पनपता है, जो कि हवा और इंसान के बलगम में भी पाया जा सकता है। ये नाक से मिट्टी के संपर्क में आने या खून के जरिए शरीर में दाखिल हो सकता है, फिर ये त्वचा, फेफड़ों, आँखों और दिमाग को निशाना बनाता है। इसमें मृत्यु दर 50% तक हो सकती है। ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों के इलाज में कई बार आंख निकालनी पड़ती है या प्रभावित अंग को काटकर अलग करना पड़ता है। अक्सर लोगों को फंगस का अंदाजा तब होता है जब काफी नुकसान हो चुका होता है। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो नाक बंद होना, नाक से खून आना, आंखों और सिर में दर्द, आंखों और चेहरे पर सूजन, धुंधला दिखना, दांत दर्द और खून की उल्टी आना इसके प्रमुख लक्षणों में शामिल हैं। भारत में ज्यादातर वो कोरोना मरीज इसके शिकार हो रहे हैं जो डायबिटीज से पीड़ित हैं या जिन्हें इलाज में कथित तौर पर स्टेरॉइड्स दिए गए हैं। दरअसल कोरोना हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर हमला करता है, जिससे शरीर में पहले से मौजूद कोई बीमारी और जोरदार हमला करती है। स्टेरॉइड्स भी प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करते हैं, तो रोग प्रतिरोधी क्षमता कम होने और शरीर में शुगर ज्यादा होने पर ब्लैक फंगस को फैलने का मौका मिलता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ब्लैक फंगस मुकोर माइकोसिस आखिर क्या बीमारी है, क्यों हो रही है ये कोविड इन्फेक्टेड पीपल्स में। तो अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नहीं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करिए और हमें बताइए कि आप कौन कौन सी ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं।